हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। लैंडस्लाइड से केरल के इडुकी जिले में 13 मौतें, 57 लापता। हर तरफ तबाही का मंजर। अरनाकुलम, इडुकी समेत सभी प्रभावित जिलों में कंट्रोल रूम एक्टिव किए गए। पंजाब सरकार ने जहरीली शराब से मरने वालों का मुआवजा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया। सीएम अमरिंदर सिंह बोले, एक भी आरोपी नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू प्रशासन से दो टूक कहा, कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की संभावना तलाशें। दिल्ली में यौन हिंसा की शिकार हुई 12 साल की नाबालिग की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर डाली गई। बीएमसी के चंगुल से निकलने के बाद बोले पटना के सिटी SP विनय तिवारी, मुझे नहीं जांच को क्वारंटीन किया गया। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा, ईडी के मुंबई दफ्तर में पूछताछ जारी। आंध्र प्रदेश के राजमंडी सेंट्रल जेल में हुआ कोरोना विस्फोट, 265 कैदी संक्रमित, एक कैदी अस्पताल से फरार। और कोरोना महामारी और चीन से जारी सीमा विवाद के बीच दिल्ली में चीनी खिलौने के थोक बाजार में बड़ी गिरावट आई। दिल्ली के झंडेवाला से गो न्यूज की खास रिपोर्ट।